दोस्तों वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक नहीं दो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे पहली तरफ दोस्तों यहां पे वोडाफोन आइडिया वीआई ने यहां पे पोस्टपेड यूजर्स के लिए एक एडोन पैक यहां पे लॉन्च किया, जहां पे सिर्फ 100 रुपीज में आप प्रीमियम ओटीटी कंटेंट स्ट्रीम कर सकेंगे, देख सकेंगे। दूसरी दोस्तों प्योरली 100% सोर्स बेस्ड न्यूज है, जहां पे एक तरफ जियो एयरटेल बड़ी बड़ी कंपनीज अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस यहां पे लाने की तैयारी में, आप वीआई वोडाफोन आइडिया भी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ला सकता है। क्या है दोस्तों न्यूज, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। जैसे कि मैंने बताया कि आज वोडाफोन आइडिया के लिए दो बड़ी खबर है, दूसरी जो खबर है उसको तो ध्यान से सुना, लेकिन पहली खबर की तरफ आ जाते हैं तो 100% सही है। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने दोस्तों यहाँ पे लॉन्च कर दिया एक प्लान, जो एड ऑन प्लान है पोस्टपेड यूजर्स के लिए, जहां पे आपको ओटीटी धमाका देखने को मिलता है। वोडाफोन आइडिया लॉन्चेस पोस्टपेड एड ऑन पैक विद सोनी लीव प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, सोनी लीव का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वोडाफोन आइडिया ऑन ट्यूसडे लॉन्च पोस्टपेड पैक एड ऑन पैक, दोस्तों इसको बोल सकते हैं 100 रुपीज का दोस्तों ये प्लान है। ऐसा ही इन्होंने दोस्तों पहले प्रीपेड में लॉन्च किया था, 82 रुपीज का एड ऑन पैक था, जहां पे दोस्तों आपको सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन मिलता है पूरे एक महीने के लिए, उसके साथ साथ 4GB डेटा 14 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलता था। सोनी लिव तो मिलता था, उसके साथ डेटा भी मिलता था, 14 दिन की वैलिडिटी मिलती, लेकिन यहां पे दोस्तों 100 रुपीज का एड ऑन पैक, अगर आप कोई भी पोस्टपेड यूज प्लान यूज करते हैं वोडाफोन आइडिया का वीआई का, तो आपको यहां पे 100 रुपीज में 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, सोनी लिव का प्रीमियम कॉन्टेंट आप स्ट्रीम कर सकेंगे, उसके साथ साथ आपको 10 GB डेटा मिलेगा, 10 GB टोटल आपको फ्री डेटा मिलेगा पूरे एक महीने के लिए। यस, तो ये सबसे बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पे, जहाँ पे आप वीआई के पोस्टपेड यूजर हैं तो आप सारा का सारा मसाला ओटीटी यूज कर सकेंगे, सोनी लिव का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सिर्फ 100 रुपीज में 10 GB डेटा पूरे एक महीने के लिए भी आपको मिलने वाला है। अब आते हैं आज की मेन न्यूज दोस्तों, जो प्योरली, वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूं न्यूज से पहले कि प्योरली सोर्स बेसिस से, मेरे सोर्स के बारे में मत पूछना, कभी कभी दोस्तों हम यहाँ पे हमारे छोटे छोटे सोर्सेस से बड़ी बड़ी न्यूज ब्रेक करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि टाटा दोस्तों टेलीसेट, कैनेडियन कंपनी टेलीसेट के साथ मिलकर भारत में यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट लाने वाली, वो हुआ, टेस्टिंग भी डन होगी। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जियो भी खुद का सैटेलाइट इंटरनेट लाने वाला है, और वो हुआ, जियो ने दोस्तों सरकार से अप्रूवल के लिए यहाँ पे चीजें रख दी है, सबसे पहले उसको लाइसेंस मिल जाएगा, और इसरो के साथ मिलकर शायद जियो अपना सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च कर दे, एयरटेल वनवेव के साथ, टाटा टेलीसेट के साथ, जियो खुद का, तीनों तो भारत की कंपनी हो चुकी, क्योंकि फ्यूचर जो है यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट का है। इस चीज को देखते हुए दोस्तों अब यहाँ पे सोर्सेस बता रहे हैं कि वीआई वोडाफोन आइडिया भी बहुत जल्द यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट फील्ड में उतर सकता है। आपने सही सुना दोस्तों, वोडाफोन आइडिया यानी वीआई भी सैटेलाइट इंटरनेट की फील्ड में यहाँ पे उतरेगा। अभी फिलहाल कंपनी अपने गीगानेट 4G को पूरे भारत में एक्सपांड कर रही है, मोबाइल नेटवर्क में तो दोस्तों पावरफुल है, 5G में अब तक सबसे हाईएस्ट स्पीड दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने अचीव की, ऑलमोस्ट 6 GBPS की स्पीड यहाँ पे अचीव की थी, एक तो मैंने खुद ने गांधीनगर में देखा था, बहुत ही तगड़ी स्पीड थी। दूसरा दोस्तों वोडाफोन आइडिया अभी नया नहीं है, ब्रॉडबैंड में दोस्तों यू ब्रॉडबैंड वोडाफोन आइडिया का ही है, यू ब्रॉडबैंड जिसके प्लान धांसू आते हैं, 100, 200, 200 MBPS, 300, 300 MBPS के सस्ते प्लान आपको फाइबर ब्रॉडबैंड मिलते हैं, जो जियो और एयरटेल को कड़ी चुनौती यहाँ पे देते हैं। लेकिन अब दोस्तों सैटेलाइट इंटरनेट की बारी है, क्योंकि जहां जहां पे फाइबर नहीं पहुंच सकता, जहां जहां पे मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच सकता, वहां पे सैटेलाइट इंटरनेट पहुंच सकता है। किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, जंगल में कहीं भी हो, छतरी लगाओ, छत पे आसमान से डायरेक्ट आपको इंटरनेट मिलेगा, क्योंकि हजारों सैटेलाइट दोस्तों अर्थ के लोअर ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं, यही सैटेलाइट आपके घर पे आपको इंटरनेट देते हैं शॉर्ट में। अभी फिलहाल दुनिया के अंदर इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंग आती है, फिर अमेजोन का क्यूपर दोस्तों काम कर रहा है, एयरटेल का वनवेव काम कर रहा है भारत में दोस्तों, जिसकी एयरटेल वनवेव है, दूसरा दोस्तों टाटा का टेलीसेट दोस्तों कैनेडियन कंपनी उसके साथ काम कर रहा है, जियो खुद का दोस्तों सैटेलाइट इंटरनेट लाने वाले, जिसमें नई अपडेट आती रहेगी। लेकिन आज दोस्तों वीआई भी यहां पे सैटेलाइट इंटरनेट पे यहां पे काम कर रहा है, और ये न्यूज बता दूं, मुझसे कोई सोर्स मत पूछना, क्योंकि ये अनऑफिशियल न्यूज है, हो सकता है दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर कोई बड़ी अपडेट आए तो मैं आपको बताऊं, लेकिन फिलहाल वीआई वोडाफोन आइडिया सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है, और ये कर भी सकता है, क्योंकि ये दो बड़े जाइंट हैं, वोडाफोन और आइडिया। वोडाफोन दोस्तों यूके का नंबर वन टेलीकॉम ऑपरेटर है, जो बड़े बड़े काम करता है यहाँ पे, तो वो बहुत कैपेबल है इन सारी चीज़ों के लिए। और ये जो वनवेव है ना, एयरटेल का वनवेव भी यूके का ही था, बता दूं आपको, तो वोडाफोन ग्रुप भी कैपेबल है। आइडिया ग्रुप कोई छोटा मोटा आंडू पांडू ग्रुप नहीं दोस्तों, आइडिया ग्रुप कुमार मंगलम जी का बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, तो ये भी कैपेबल है इन सारी चीज़ों के लिए। तो वोडाफोन आइडिया दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को भारत में यहाँ पे लॉन्च कर सकता है, जैसे ही कुछ ऑफिशियल न्यूज आएगी सबसे पहले बताऊंगा। लेकिन आज जो यहाँ पे सोर्स बेस्ड न्यूज आई थी, मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी, तो आप मुझे बताइए दोस्तों आपको क्या लगता है कि वोडाफोन आइडिया का सही में
सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च कर पाएगा। क्या वोडाफोन आइडिया भारत के अंदर एक बेहतरीन सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस दे सकेगा, जैसे जियो देगा, जैसे एयरटेल देगा, टाटा देगा? और अगर ऐसा होता है तो भारत में चार बड़े प्लेयर, वो भी देसी प्लेयर हो जाएंगे, एक तरफ एयरटेल वन वेब, एक तरफ जियो, एक तरफ टाटा और एक तरफ वोडाफोन आइडिया। चार प्लेयर दुनिया में गिनती के 6-7 प्लेयर हैं, उसमें चार प्लेयर अगर भारत के होते तो भारत पूरी दुनिया में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के अंदर लीडर बन जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे तो ये सबसे बड़ी खबर दोस्तों जो आई थी सोर्स बेस के, वोडाफोन आइडिया यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च कर सकता है। उसके अलावा कोई भी यहाँ पे खबर नहीं किया प्लान होंगे कब तक लॉन्च होगा, सिर्फ इतना यहाँ पे निकल गया है सोर्सेस से कि वोडाफोन आइडिया इस पे काम कर रहा है, इसके बारे में सोच रहा है और हो सकता है बहुत जल्दी आपको इसके बारे में कुछ देखने को मिल जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा थम्स अप जरूर देना, आपके भाई का चैनल, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए शायद दोस्तों के साथ उन्हें डिफेंस चला गया। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस लाख के बटन को जल्दी से दबा के हमारे वीआईपी मेंबर बन जाए क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे हैं। तो जल्दी से इस लाल कलर के बटन को जल्द दबाना, इसके पास दिखेगा घंटे का बटन, उसको जो दबाना उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो प्लीज इस घंटे के बटन को भी जो दबाना, और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो जरूर कर देना, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप भूल जाते हैं, प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। आपके वॉच है, केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।